अभय जी, राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक नाम से पार्टी का गठन हुआ है गौतम सागर आनंद की अगुवाई में, पार्टी के लिए कितना बड़ा सेटबैक? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक का गठन, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठन हुआ है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही लोगों को निष्कासित कर चुके हैं, तो निष्कासित कर चुके हैं तो वो राष्ट्रीय जनता दल का अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो अपना अपना दल बनाए हैं उससे पार्टी को कोई क्षति नहीं है, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव सोचतो दलितों अकलियतों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है। एक भी पदाधिकारी उसमें जाने का काम नहीं किया। आपने देखा कि इसके पहले हमारा कार्यक्रम हुआ और पूरे 2400 जिला से लोग आने उस कार्यक्रम में आए, बहुतायत संख्या में, और सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय का स्वागत किया कि अभी ही सही कदम उन्होंने उठाया है, और निश्चित तौर पे जो उन्होंने कदम उठाया है राष्ट्रीय जनता दल बहुत ऊंची, माने राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार जो है और मजबूत होगा। क्या मेरे कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज तो नहीं जाएगा कि वो असली कौन है, नकली कौन है, जनाधार किनके साथ? सबसे बड़ा चीज है कि असली या नकली के पहचान तो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव से होती है, क्योंकि उनकी पार्टी है और उनके पार्टी, जब उन्होंने जब अध्यक्ष मनोनीत किया तो असली अध्यक्ष हम हुए, और वो तो पार्टी से निष्कासित हो गए, तो उनको तो असली माने राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कौन असली या कौन नकली पहचानने के लिए नहीं, ये तो स्वतः तय हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसको बनाया वो असली और जो निकाल दिए गए वो नकली।